एक प्रेमी ने पहले तो बेडरूम का दरवाजा बंद किया। इसी बीच साथियों प्रेमिका को साथी बता दे कि पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। मिर्जापुर जनपद से प्रेम प्रसंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मिर्जापुर में स्थित अपनी प्रेमिका की ससुराल में पहुंचकर प्रेमी ने पहले प्रेमिका को खुद को बेडरूम में बंद कर लिया, उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ससुराल वाले किसी तरह से दरवाजा तोड़कर प्रेमिका को बाहर निकाले, एक निजी चिकित्सालय ले गए जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं प्रेमी घटनास्थल पर काफ़ी देर तक छटपटाता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराई जहां उसका उपचार चल रहा है। इस मामले को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती के रिश्तेदारी वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत एक गांव में है। मिर्जा मुराद में स्थित अपने रिश्तेदारी में युवती का आना जाना होता था। इसी बीच उसकी मुलाकात मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गाँव में रहने वाले युवक से हो गई। दोनों चोरी छुपे मुलाकात करने लगे। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो युवती की शादी इसी साल जून माह में मिर्जापुर जिले के चुनार कोतवाली अंतर्गत एक गांव में कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में बिताने के बाद विवाहित अपने मायके चली गई। बीते सोमवार को विवाहित अपने मायके से ससुराल पहुंची। बुधवार को दोपहर में उसकी प्रेमी पेट्रोल लेकर उसके ससुराल पहुंच गया। घर के पुरुष काम करने के लिए बाहर चले गए जबकि महिलाएं भी खेत में काम करने के साथ पशुओं की देखभाल कर रही थी। उसी समय प्रेमी प्रेमिका के बेडरूम में पहुंच गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जी हां साथियों, बड़ी खबर। शेयर लाइक करें। थैंक यू।